नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। खंडवा पुलिस को जब पुख्ता जानकारी मिली कि समीपस्थ ग्राम जावर में भाजपा नेत्री और जनपद पंचायत सदस्य के घर पर जुआ सट्टा चल रहा है, तो उससे दबिश देकर उस अवैध कारोबार को सबूत के साथ पकड़ा गया। इधर जैसे ही आशंका थी कि सत्ता के मद से चूर भाजपा नेत्री और उसके परिजनों ने उल्टा पुलिस को ही न केवल खरी खोटी सुनाई बल्कि वर्दी उतारने की धमकी भी दे डाली। पुलिस को सूचना मिली थी कि जावर गांव में एक घर से आसपास के गांवों में जुआ सट्टा और अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। यह घर भाजपा नेत्री और जनपद पंचायत खंडवा की सदस्य ज्योति यादव का बताया जा रहा है। वहीं पति दीपक यादव भी भाजपा के नेता हैं। उन्होंने सत्ताधारी दल से जुड़े होने के चलते यह गुमान किया था कि पुलिस उनके यहां पर कभी नहीं आ सकती, लेकिन पुलिस ने यह भ्रम तोड़ दिया। वहीं एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश के बाद गुरुवार को टीआई जीपी वर्मा, एएसआई रणजीत सिंह और उनकी टीम ने जनपद पंचायत सदस्य ज्योति के घर की घेराबंदी कर जब दबिश दी तो वहां एक कमरे में जुआ तो दूसरे कमरे में सट्टा चल रहा था। ज्योति दीपक के अलावा बेटे रौनक व जीवन लता के पर्स में सट्टा पर्चियां भी मिली हैं। चारों के कब्जे से 19 सट्टा पर्ची, 2 मोबाइल रजिस्टर लीड व 10,170 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यह बताया है कि दूसरे कमरे में जुआ खेल रहे आरोपी दिलीप यादव, रघुवीर सिंह निवासी जावर शैलेंद्र और राकेश निवासी तलवड़िया ताश पत्तों और फड़ में रखे थे और 10,050 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आरोपियों ने अपने घर को जावर के आसपास के गांवों का हेडक्वार्टर बना रखा था। दीपक पर जुआ सट्टे के 2 मामले पहले से भी दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने भाजपा नेत्री ज्योति यादव और उसके पति दीपक समेत सास जीवन लता बाई और बेटे रौनक को भी गिरफ्तार कर लिया है। चारों पर जुआ और सट्टा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस कार्यवाही के दौरान ज्योति यादव पुलिस को रोकती रही और कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास करती रही। जब पुलिस प्रभाव में नहीं आई तो उसने पुलिस अधिकारियों को वर्दी उतारने की धमकी दे डाली और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे भाजपा को भी शर्मसार होना पड़ रहा है कि उनके नेता और कार्यकर्ता किस तरह आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। हालांकि पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि मामला सत्ताधारी दल से नेता से जुड़ा होने से उन्हें भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए न केवल उनसे पुख्ता सबूत जुटाए बल्कि पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कर ली। वहीं टीआई जीपी वर्मा ने बताया कि सूचना मिली कि एक घर से आसपास के गांवों में जुआ सट्टा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। पुलिस ने दीपक यादव के घर दबिश देकर एक कमरे में जुआ तो दूसरे कमरे से सट्टा पाया और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया।